ले हो ये। दोस्तों साथियों, आज 14 फरवरी 2019 को बिजनौर जिला नूरपुर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो मीटिंग है वो अमजद सैफी साहब के मेजबानी में बुलाई गई है और नवाब भाई साहब जो है समाजवादी आंदोलन पार्टी के नेशनल कोषाध्यक्ष हैं। हम लोग यहाँ पर इत्तेहाद पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इसके तहत मैं थोड़ा सा एक संदेश देना चाहता हूँ कि अमजद साहब ने जो मीटिंग बुलाई है इनकी मीटिंग को नाकाम करने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की है मैं उनको संदेशा देना चाहता हूं। नंबर एक, कुछ कमेंट आ रहे हैं मुझे, वो इस तरह के जैसे शमशेर मलिक साहब को, जीशान हैदर मलिक साहब को, यूसुफ सैफी साहब को, अमजद सैफी साहब को लोग मेरा कार्यकर्ता बोलते हैं कि आपका कार्यकर्ता ऐसा करता वैसा करता। तुम लोगों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि तुमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पार्टी सिर्फ रजिस्टर करा लिया है, तुम्हें नेता और कार्यकर्ता की भी तमीज नहीं है कि कार्यकर्ता किसे कहा जाता है और नेता किसे कहा जाता है। ये तुम सभी को संदेश दे रहा हूं, जो भी जो फील्डिंग कर रहे हो सब पता चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कार्यकर्ता ये होता है। अगर मैं इनका नेता होता तो ये मुंबई में आके मेरे क्षेत्र में काम करते तब ये मेरे कार्यकर्ता होते। मैं इनके क्षेत्र में आके काम कर रहा हूं, 1500 किलोमीटर दूर से चलकर आके इन लोगों के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, इनको मैं नेता मानता हूं। मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूं, जो काम करता है वो कार्यकर्ता होता है। ये जीशान हैदर मलिक, शमशेर मलिक, अमजद सैफी, यूसुफ सैफी, नवाब साहब, ये नेता है, ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है। मैं इन नेताओं के लिए काम करने इतनी दूर से आता हूं। ये अगर छोटे नेता हैं, अभी ये गलियों में है, थोड़े से इसमें है, मैं इनको पुश करना चाहता हूँ, इनको हवा देना चाहता हूँ, इनको बढ़ावा देना चाहता हूँ कि ये नेशनल लेवल पर जाने जाए, देश के लेवल पर जाने जाए। मैं इनका कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब बता रहा हूँ, सुन लीजिए। तुम नेशनल पार्टी बनाए हो, नेशनल प्रेसिडेंट बने घूमते रही है, तुम्हें अभी तक इतनी भी तमीज नहीं हुई कि कार्यकर्ता कौन होता है, लीडर कौन होता है। लीडर और कार्यकर्ता की परिभाषा और उसके माने मतलब हमने आपको बता दिया है। दूसरी बात, ये नूरपुर में बैठकर कह जा रहा हूं आप लोगों को, आप लोग जो फील्डिंग कर रहे हो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुम्हारी फील्डिंग इन लोगों के नाखून भी टेढ़ा नहीं कर सकेगी। क्या कहा हमने? नाखून भी टेढ़ा नहीं कर सकेगी। दूसरी बात यही बोलकर जा रहा हूं आप लोगों को, मैं अगर कहीं चोरी करते पकड़ा जाऊं, बदमाशी करते पकड़ा जाऊं, लुक्कई करते पकड़ा जाऊं, डाका डालते पकड़ा जाऊं, जेब करते पकड़ा जाऊं, तो इसमें मैं मुझे भी नहीं बचा सकता। गौर कर लीजिए, अगर ये क्राइम मैं करूंगा तो मैं भी इन्हें नहीं बचा, मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन इन मेरे साथियों को अगर चाहते होंगे कोई प्रशासन के दबाव से उनको जरिए इनको फंसा पाओगे, अगर ये क्राइम नहीं करते हैं तो किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं कि इनका बाल भी बांका कर सके। प्रशासन को भी मैं वार्निंग दे रहा हूं, अब तुम जैसे बेहुदा पार्टी चलाने वाले अध्यक्षों को भी वार्निंग दे रहा हूं, सभी लोग मुत्तहिद हो जाइए, इनका बाल बांका करके बता दीजिए तो मैं
दुनिया छोड़ दूंगा। समझे साहब, ये मेरे नेता हैं, मैं इनका कार्यकर्ता हूं, और जिस नेता का कार्यकर्ता मुझे जैसा होगा उसका नाखून टेढ़ा तुम नहीं कर सकते। साथियों, हम तुम्हारे साथ क्यों संपर्क में आए? हम देश भर में घूम रहे हैं, निकले हैं कि जो पुरानी हमारी लीडरशिप थी, मुस्लिम की पुरानी लीडरशिप थी, वो सड़ी गली है। हम ढूंढने निकले हैं कि नया टैलेंट है क्या मुसलमानों में। अगर कोई नया टैलेंट मिलता है, नई लीडरशिप, बेहतर लीडरशिप मुझे नजर आती है, मैं उसको खड़ा करूंगा, मेरे साथी उसको खड़ा करेंगे, लीडर लेकर आएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि नूरपुर और बॉम्बे का हाईवे बिल्कुल साफ सुथरा हो, बहुत बेहतर हाईवे हो, एकदम नया नया बना हो। आज आप नई गाड़ी भी ले आए हो, आप अच्छे ड्राइवर भी ले आए हो, आप अच्छे ड्राइवर भी हो, लेकिन आपका सफर पूरा नहीं हो सकता इतनी खूबियां होने के बाद। क्यों? रास्ते में बॉम्बे और नूरपुर का हाईवे पर सड़ी गली गाड़ियां जाम करके रखी हैं। नया टैलेंट, नई गाड़ी, नया रोड को गुजरने नहीं दे रही है। उन सबों से गुजारिश है पहले कि तुम्हारी गाड़ियां रिपेयर करिए, चलने लायक बनाइए, वरना तुम्हें साइड कर दिया जाएगा। साइड हो जाइए, नया टैलेंट जो निकल कर आया है हमारे मुस्लिम समाज में, उसको गुजरने दीजिए, उसकी मंजिल पूरी करने दीजिए। इसलिए हम देश भर का भ्रमण कर रहे हैं। पुरानी लीडरशिप ने कौन का सत्यानाश कर दिया है? देश का सत्यानाश कर दिया है। और नया टैलेंट जो आया है, नई पीढ़ी जो आई है, पढ़ लिख कर जो आई है, जो जज्बा रखती है समाज का सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, कौम की सेवा करने के लिए, उनके रास्ते में तुम रुकावट हो, और या तो तुम अपनी गाड़ियों को रिपेयर कर लीजिए, सुधर जाइए, और या तो नए टैलेंट को हम भेजेंगे मंदिर को पहुंचने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा भी भेजेंगे और असेंबलियों में भी भेजेंगे। इसलिए हम घूम रहे हैं। मैं तुम्हारे नूरपुर से, तुम्हारे बिजनौर से, तुम्हारे मुरादाबाद से, तुम्हारे अमरोहा से, तुम्हारे रामपुर से, तुम्हारे सहारनपुर से, तुम्हारे इस तमाम जगहों से, ना मैं पंचायती चुनाव लड़ने वाला हूँ, ना नगर सेवक की चुनाव लड़ने वाला हूँ, ना असेंबली का चुनाव लड़ने वाला हूँ, ना पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला हूँ। सोच लीजिए, मेरा तुम क्या बिगाड़ोगे जब मैं कुछ हूं ही नहीं। मेरी हैसियत सिर्फ एक वोटर की है, और मैं जो काम कर रहा हूँ एक वोटर की हैसियत से काम कर रहा हूँ, और एक वोटर सिर्फ मेरी मौत ही उसको खत्म कर पाएगी। तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारे एक वोटर को खत्म कर पाओ। मैं एक वोटर की हैसियत से घूम रहा हूँ और इनको लीडर बनाने के लिए घूम रहा हूँ। ये लीडर बनेंगे और तुम जो है माथा पीटना, मुंह काला करके शर्मिंदा होकर अपने घरों में बैठ जाना, जो फील्डिंग कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, मुझे मालूम है। हमने तुम्हारे बारे में ये सोच रखा था, ऐ जिला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों, हमने तुम्हारे बारे में यह सोच रखा था कि जिस इत्तेहाद को हम लेकर चल रहे हैं, 2022 में वो इत्तेहाद मुकम्मल होगा उत्तर प्रदेश में, आप देखोगे। समझे साहब? लेकिन हमारा इरादा था कि इस इत्तेहाद मुहिम को लेकर, और जो यहाँ पर गठबंधन बनेगा, जो तालमेल होगा, हमने इरादा किया था कि उनसे छीन कर एक एक सीट हम ले आएंगे तुम्हारे लिए। कितनी सीटें? एक एक सीट तुम्हारे लिए ले आएंगे। तुम्हारे बारे में तुमको MLA बनाने की हमने रणनीति थी की थी, तुम एक MLA बन जाते, सिर्फ एक पार्टी के तुम एक MLA बन जाते राष्ट्रीय अध्यक्ष, तुम्हारी पार्टी वजूद में आ जाती, कम से कम उत्तर प्रदेश में वजूद में आ जाती, और एक पार्टी की हैसियत से पहचाने जाते। लेकिन तुमने जो तरीका किया है वो उसमें तुम्हारा कोई घाटा है? मेरा घाटा इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं एक वोटर हूँ, और किसी की औकात नहीं है को वोटर भी मुझसे छीन सके। मेरी मौत ही मेरे वोटर आईडी को खत्म कर पाएगी। तुम्हारी फील्डिंग, तुम्हारी चापलूसियां, तुम्हारी मक्कारियां, तुम्हारी बेईमानियां कुछ नहीं कर पाएंगी। खुदा हाफिज़।